नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी के वीकली एनालिसिस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो अभी हम डिटेल में निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो लेवल होगा और बड़े प्लेयर का पोजीशन होगा उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि उनका कहाँ पर पोजिशन बना हुआ है, वो नेक्स्ट वीक मार्केट को क्या देखना चाहते हैं, मार्केट अपसाइड रहेगा या डाउन साइड रहेगा, अपसाइड जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है और डाउन साइड में उनका लेवल क्या है। तो ये एक एक लेवल को हम जितने भी FII प्रोप क्लाइंट्स और DII जो इनके डेटा हैं जिसके ऊपर इनका पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुआ है और वो मार्केट में क्या करना चाहते हैं इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, हमने एक कल वीडियोस पोस्ट किया था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि FII जो है वो शॉर्ट पोजीशन बना के गए हैं, कितना उनका एवरेज प्राइस क्या है। अब उसको मैं आपको डिटेल में यहाँ पर दिखाता हूँ कि देखो दोस्तों, हम लोग ये एनालिसिस शीट पे अपनी एनालिसिस करते थे कि FII के पास जो नेट लॉन्ग है वो 10 तारीख को इन्होंने 688 क्वांटिटी सॉरी क्लाइंट ने किया है और 8900 क्वांटिटी इन्होंने शॉर्ट क्लोज किया है। तो ये क्वांटिटी आया कैसे, इसका मैं डिटेल में यहाँ पे आपको बताता हूँ कि देखिए, हमने ये जो आपको जो पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट में इनका नेट लॉन्ग और नेट शॉर्ट का पोजिशन आता है, इसमें जो भी चेंजमेंट होता है ना। देखिए, इनके पास क्या था, 9 तारीख को 200000 जो है 28000 क्वांटिटी नेट लॉन्ग था, अब इनके पास क्या 229000 हो गए। तो इन्होंने क्या किया, 600 क्वांटिटी, मात्र 600 क्वांटिटी ही चेंजमेंट किया, 688 क्वांटिटी, और इनके पास जो 151000 शॉर्ट पोजीशन था उसमें से उन्होंने क्लोज कर दिया 142000 ही रह गया, तो 8900 क्वांटिटी क्लोज किया। नेट बेसिस पर चेंजमेंट कितना, 9600 हुआ। तो ये यहाँ पर देखें दोस्तों कि इनका लॉन्ग और शॉर्ट कितना है। अगर पूरा लॉन्ग जितना भी लॉन्ग हुआ है इसमें इनका पूरा लॉन्ग क्या है, 67% और इनका शॉर्ट क्या है, 42%। तो ये लॉन्ग 67% है, शॉर्ट 42% है, ओवरऑल इनका क्या है, 25% नेट बेसिस पे लॉन्ग है और लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो 1.6 का है, समझ रहे हैं। यानी क्या है, आज अगर हम बात करें क्लाइंट का फ्यूचर में, तो इन्होंने क्या क्या है, शॉर्ट क्लोज और लॉन्ग ऐड किया। कैसे, यहाँ पर देखिए, ये शॉर्ट क्लोज कर दिया है, लॉन्ग ऐड कर दिया है, यानी यहाँ पर फुली बुलिश है क्लाइंट हमारे। 10 तारीख का, 9 तारीख का इनके पास कुछ नहीं था, 8 को भी इन्होंने क्या किया है, बोथ क्लोज, लेकिन वो बुलिश है। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे FII का कि FII का क्या पोजीशन है। देखिए, FII ये हमारा 10 तारीख का है, ये 9 का, तो आप 9 से अगर कंपेयर करें तो मात्र 29628 क्वांटिटी ही इनके पास लॉन्ग था। अब ये 10 तारीख का इनका क्या है, 29039 क्वांटिटी, तो इन्होंने थोड़ा सा जो है लॉन्ग क्लोज कर दिया, 589 क्वांटिटी। अब इनके पास देखिए शॉर्ट 124000 कॉन्टेक्ट था, 124682, इन्होंने 134000 उस शॉर्ट को क्रिएट कर दिया और ज़्यादा, कितना, 9800 कॉन्टेक्ट और ज़्यादा फ्रेश शॉर्ट कर दिया। तो इन्होंने लॉन्ग क्लोज किया और शॉर्ट भी इनिशिएट किया, तो इनके ये चेंजमेंट हो गए, नेट डे पेयर चेंज कितना, 10400 कॉन्टेक्ट चेंज हुए। अब इनके पास लॉन्ग कितना है, लॉन्ग मात्र 9% है और शॉर्ट 39% है, देख रहे हैं ना, यानी 31% ये शॉर्ट करके बैठे हैं, 31% शॉर्ट है। और इनका शॉर्ट का प्राइस क्या है दोस्तों, ये आपको देखिए, 17748 इनका शॉर्ट का पोजीशन है, यानी इसके बेसिस पे इनका नेट शॉर्ट यहाँ पे 100000 जो कॉन्टेक्ट आ रहा है, 105000, इनका एवरेज शॉर्ट पोजीशन 17748 है। अभी मार्केट कितना, 17856 के पास क्लोजिंग दिया है, यानी 100 पॉइंट ये भी क्या है, लॉस में है। FII 100 पॉइंट लॉस में है, तो वो मार्केट को क्या करेंगे, ऊपर और नहीं जाने देंगे। जबकि हमारे क्लाइंट्स का जो ये आपको 86000 कॉन्ट्रैक्ट जो लॉन्ग है नेट बेसिस पे, इनका एवरेज 17783 का निकल के आ रहा है और ये अभी प्रॉफिटेबल है, लगभग 60-70-80 पॉइंट प्रॉफिटेबल में, 70 पॉइंट, तो हमारे क्लाइंट अभी प्रॉफिटेबल में है। अब मंडे को हमें ये देखना है कि मार्केट में क्या चेंजमेंट होता है, जो हमें ऑप्शंस का डेटा और बताएगा, क्लियर डेटा दोस्तों। अगर आप इसको एनालिसिस करते हैं एक एक चीज, तो ये सब सारी चीजें बता देता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रो का, प्रो के पास देखिए जो है, जो 9 को क्या था, 30000 कॉन्ट्रैक्ट था लॉन्ग, इन्होंने थोड़ा सा क्लोज कर दिया, कितना, 1549 कॉन्ट्रैक्ट, 28000 कॉन्ट्रैक्ट इनके रह गए। अब इनके पास शॉर्ट क्या था, 33, थोड़ा सा इन्होंने शॉर्ट 400 क्वांटिटी आउट किया। इनके पास क्या है, नेट बेसिस पे
चेंजमेंट 1900 कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये 5400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है नेट बेसिस पे मान ली। तो ये इनके पास क्या है, लॉन्ग 8% है, देखिए शॉर्ट 10% है, 2% यहाँ पे ये भी शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन 2% शॉर्ट है। लॉन्ग क्लोज शॉर्ट एड यहाँ पे ये भी बेयरिश है, ये हमारे लॉन्ग क्लोज शॉर्ट एड ये भी बेयरिश है, यानी कौन, FII और प्रो। अब हम DII की बात करते हैं। DII के पास दोस्तों 9 तारीख को 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो लॉन्ग में था, इन्होंने 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किया, कितना हो गया 54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। अब शॉर्ट इनके पास 29,000 था, इन्होंने 29,600 किया, 140 कॉन्ट्रैक्ट, यानी ओवरऑल इनके पास लॉन्ग का 16% है, 16% का 9% है शॉर्ट का, सॉरी माफ करिए, शॉर्ट का 9% है, 7% ये क्या है लॉन्ग है, 7% फ्रेश ये लॉन्ग है। यानी इस डेटा के बेसिस पर अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा लॉन्ग किसके पास है, 25% हमारे क्लाइंट के पास है, और सबसे ज्यादा शॉर्ट किसके पास है, हमारे FII के पास। तो आप देखें कि अब भी जो मेन टक्कर है FII और हमारे क्लाइंट में, आप खुद समझिए कि कौन जीतेगा मार्केट में, डिसीजन आपके ऊपर दोस्तों। मेरा काम है डेटा को सही एनालिसिस करना, सही आपको बताना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में। ऑप्शन में आप देखें इनके पास ये लॉन्ग पोजीशन इतना है, कॉल शॉर्ट पोजीशन, पुट लॉन्ग और पुट शॉर्ट, चार पोजीशन आता है। अब इसकी बेसिस पे नेट इनका लॉन्ग जो है 43,000 कॉल में शॉर्ट है, यानी 114,000 ये कॉन्ट्रैक्ट जो शॉर्ट करके गए थे उसमें से उन्होंने 70,000 क्लोज कर दिया जो है फ्राइडे को, 70,000 क्लोज कर दिए। इनके पास क्या है 49,000, 70,000 क्लोज किए मींस मार्केट को नीचे देखना चाह रहे हैं, सॉरी ऊपर देखना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास अगर पोजीशन, उनको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो ये पोजीशन क्लोज नहीं करते अभी, है ना 70,000। अब इनके पास 322,000 क्या था कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको पुट में राइटिंग था, ये देखिए ये ग्रीन मतलब क्या है, पुट की राइटिंग, पुट की राइटिंग मीन्स मार्केट ऊपर, कॉल की राइटिंग क्लोज मीन्स क्या है मार्केट को नीचे हो देख, मार्केट को ऊपर देख रहे हैं, माफ करिएगा मार्केट ऊपर, ठीक। और इनके पास 58,000 और इन्होंने राइट कर दिया, 322,000 में से 58,000 और 380,000 हो गया, तो ये क्या है, इनके पास 1% ही आपको कॉल की राइटिंग है, 10% पुट की राइटिंग है, तो ये क्या कर रहे हैं मार्केट को ऊपर देख रहे हैं, पुट की राइटिंग करके वो मार्केट को ऊपर लेना चाहते हैं, कौन, क्लाइंट हमारे, यानी क्लाइंट हमारे फ्यूचर में भी बुलिश हैं, ऑप्शन में भी बुलिश हैं। ये आपको 3 दिन का हमने डेटा डाला है दोस्तों। अब हम बात करते हैं FII का। FII के पास देखिए 157,000 कॉन्ट्रैक्ट्स था, वो 8-9 तारीख को क्या था, लॉन्ग था, इसमें से उन्होंने 51,000 क्लोज कर दिए, तो 6% से कितना 3% हो गया इनका, समझ रहे हैं ना। अभी देखिए 106,000 हो गए, और इनके पास 284,000 था उसमें से 310,000 हो गए, क्या इन्होंने 26,000 और हो गया, इन्होंने पुट की बाइंग कर ली 26,000 और, ये 26,000 तो क्या हो गया इनका 8% इनका पुट में बाइंग हुआ, 3% कॉल में बाइंग, 8% पुट में बाइंग, क्या है वो आपको ज्यादा पुट की बाइंग करके गए हैं, बेयरिश है यहाँ पे। सेम प्रो का देखें, प्रो का 10 का डाटा क्या है, ये इनके पास जो है 9 तारीख को मात्र 44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्या था कॉल की राइटिंग, इन्होंने 19,000 और कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग कर दी 10 तारीख को, 19 तारीख 64,000 हो गया, इन्होंने कॉल की राइटिंग कर दी बेयरिश, 11,000 इनके पास पुट की बाइंग थी, पुट की बाई, प्रो कभी भी अगर पुट या कॉल की बाई करते हैं तो मार्केट उस डायरेक्शन में जाता है दोस्तों। मैंने थर्सडे को वीडियो पोस्ट किया था कि इनके पास 11,000 पुट की बाइंग है, मार्केट में 70-80 पॉइंट डाउन रहेगा और मार्केट रहा, इन्होंने 31,000 और बाइंग कर ली, ये क्लोज नहीं किए, इसमें से और वो बाइंग हो, मार्केट को और नीचे देख रहे हैं 42,000। अब देखिए इनके पास 2% कॉल की राइटिंग, 1% पुट की बाइंग हुई, कॉल शॉर्ट पुट लॉन्ग ये फुल्ली बेयरिश हैं, और हमारे जो हैं DII वो आपको बाई करके गए हैं यहाँ पे पुट, तो ये बेयरिश हैं, यानी हमारे बड़े प्लेयर स्ट्रॉन्ग बेयरिश हैं तीनों। आई होप कि आपको ये डेटा पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, फिर भी आप और आपको कुछ डाउट होता है दोस्तों तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या डाउट है, मुझे मैसेज करिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस चैन में इनका जो है वो कहाँ पे, तो यहाँ देखिए ये कॉल साइड आपको क्या है मार्जिन ले रहे हैं, कॉल साइड मार्जिन लेके क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे राइटिंग करते हैं, और राइटिंग करके क्या करते हैं आपको प्रीमियम लेने के लिए,
यहाँ पे एटीएम के पास वो राइट करेंगे और फार ओटीएम वो क्या करेंगे बाई करेंगे ताकि उनको ज्यादा मार्जिन मिल जाए। कॉल साइड एक्टिविटी 482,000 का, पुट साइड एक्टिविटी 387,000 का हुआ है, यानी कॉल साइड एक्टिविटी ज्यादा हुआ है और अभी भी प्रीमियम देखें तो कॉल में ज्यादा है, यहाँ पे कॉल में ज्यादा प्रीमियम है। इन्होंने अगर राइटिंग किया है तो कहाँ देखिए, 17,800 के पास इन द मनी 54,000 कॉन्टेक्ट राइटिंग हुआ है। अब 17,800 एक सपोर्ट का भी काम कर रहा है आपको यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो राइटिंग किया गया वो किसके द्वारा किया गया, ये हमारे क्लाइंट के द्वारा किया गया और यहाँ ये जो बाइंग है ये सब बाइंग क्या है प्रो द्वारा किया गया और एफआईआई द्वारा, हमने डेटा प्रीवियस डेटा में देखा अभी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जरूर हर एक कॉन्ट्रैक्ट पे बाइंग और सेलिंग होता है, हर एक स्ट्राइक प्राइस पे बाइंग और सेलिंग होता है, तो बड़े प्लेयर जहाँ पे भी बाई करते हैं उनका पोजिशन हमने अभी एंड ऑफ द में देखा कि तो ये 72,000 जो है यहाँ पे, यहाँ बाइंग किया गया है हमारे एफआईआई और क्लाइंट द्वारा प्रो द्वारा और राइटिंग किया द्वारा यहाँ पे हमारे क्लाइंट द्वारा। ये एक बार 17,800 जैसे ब्रेक होता है मार्केट में आपको फिर नीचे 17,700 और 17,600 का पोजिशन दिखेगा, 17,600 और यहाँ पे राइटिंग जो है आपको 17,700 पे, 17,800 पे, इवन 17,800 के बाद 17,900 पे, ये सब सारी बड़े प्लेयर द्वारा कॉल साइड राइटिंग किया गया है। ये आप एक्टिविटी देख सकते हैं यहाँ पे भी है ना, और ये हमें पेन आपको फर्स्ट पेन क्या 17,800 के पास देखा, सेकेंड पेन आपको 17,900 के पास देखा और इनके बीच जो नंबर है आप देखें कितना है, लगभग ये 26 और ये 15 आपको 42 पॉइंट, मार्केट उसी के पास लगभग 50 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। तो ये पेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े पेयर पे का पेन नीचे है, मार्केट आपको नीचे ही रहना है दोस्तों डेटा के बेसिस। अब हम इसको देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में क्या एक्टिविटी हुई है बड़े प्लेयर की। इसके बाद दोस्तों हम पूरे जो है चार्ट भी देखेंगे वीकली में, ताकि अगर हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें मार्केट का पूरा वीकली डायरेक्शन पता होना चाहिए। सेम अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे लगभग देखें 4,59,000 कॉल साइड, 4,00,000 पुट साइड भी पोजिशन बनाया गया है, लेकिन पुट साइड एक्टिविटी नीचे हो रही है। आप यहाँ पे देखें पुट साइड नीचे की एक्टिविटी हो रही है, ये 41,500 पे 57,000 कॉन्ट्रैक्ट, 41,600 पे 28,000 कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, जबकि यहाँ पे भी देखें 40 और 30 70,00,000 पर दोनों इक्वल पोजिशन बनाया गया है। तो बैंक निफ्टी में आपको 41,500 अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो बड़े प्लेयर की एक्टिविटी है वो नीचे की तरफ हो रही है यहाँ पे, हमने डेटा में भी देखा। और ये देखें कि कॉल राइटर यहाँ पे एक्टिव है, पुट राइटर भी थोड़ा सा यहाँ पे एक्टिव थे, बैंक निफ्टी स्लाइटली हमें बुलिश लग रहा था फ्राइडे के दिन भी, और इनका पेन इसका 41,500 41,600 है। अब देखें 41,500 41,600 और दोनों के बीच में मार्केट आके यहाँ पे क्लोजिंग दिए। तो ये पेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कॉल राइटर आपको आईटीएम इन द मनी में कॉल की राइटिंग हो रही है, ओटीएम में पुट की राइटिंग हो रही है। तो बैंक निफ्टी का डेटा थोड़ा सा हमें क्या है जो है न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, थोड़ा यहाँ पे दोनों साइड जो है राइटर एक्टिव है बैंक निफ्टी में, आप ये देख सकते हैं स्पष्ट बता रहा है कि ओटीएम में थोड़ा सा है वो आपको पुट की राइटिंग हो रही है, आईटीएम में कॉल की राइटिंग हो रही है अच्छे नंबर में, लेकिन निफ्टी का डाटा हमें बेरिश इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। प्रीमियम अभी भी कॉल साइड ज्यादा है, आप देखें यहाँ पे कॉल साइड प्रीमियम ज्यादा है, तो पहले कॉल की राइटिंग करके मार्केट को नीचे ले जाया जाएगा दोस्तों। अगर हम कैश की बात करें तो एफआईआई ने कि यहाँ पे कैश में थोड़ा सा जो है 10 फरवरी को बाइंग किया था, लेकिन नेट बेसिस पे इनका फरवरी में लगभग 9,600 करोड़ का सेल हो गया है, यानी इन्होंने जनवरी में तो पुल आउट किया ही, फरवरी में भी इन्होंने क्या है पूरा मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें हम अपनी जो है कहाँ एफआईआई इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इनका पैसा हमने यहाँ पे डाला, देखिए एफआईआई का इन्वेस्टमेंट कौन से सेक्टर में हो रहा है ये हमने यहाँ पे वीडियो पोस्ट किया है 5 दिन पहले का, जाके देख सकते हैं दोस्तों। क्या है कि ये पैसे डालते भी हैं, ऐसा नहीं कि पैसा निकाल रहे हैं। देखिए इन्होंने 10 तारीख को क्या किया, 10 तारीख को अगर बात करें तो इन्होंने 7,700 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया, 6,200 करोड़ विड्रॉल किया, तो इन्वेस्टमेंट इनका है। हम क्या सिर्फ नेट वैल्यू पे देखते हैं, नेट के साथ आप ये देखिए कि इनका इन्वेस्टमेंट, कभी कभी सेक्टर रोटेशन होता है, ये आपको एवरेज 7-8 करोड़ का, 7,000-8,000 करोड़ का होता है, लेकिन आप अगर डेली बेसिस पर डेटा ट्रैक करते होंगे तो ये आपको 17,000-18,000-20,000 ऐसे ऐसे कभी हो जाता है। तो उसमें क्या है, ये सेक्टर चेंजमेंट का है, दैट मीन्स कि वो सेक्टर का
रोटेशन हो रहा है, तो अभी ये पैसा पुल आउट कर ही रहे हैं। अब हम बात करें प्राइज एक्शन पे, तो देखें कि VW और VWAP के ऊपर जो अभी 17,840 का 820, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। तो हमें 830 तक लॉन्ग रहना है, 830 तक, और ऊपर का हमारा लेवल आपको 920 और 970 का हो जाएगा ऊपर, यानी 830 के नीचे ही हमें शॉर्ट होना है। 800 के नीचे, 830 तक जब तक मार्केट सस्टेन करता है तब तक हमें शॉर्ट नहीं होना है। हमारा टारगेट 920 का, 18,000 का 800 के लेवल को ब्रेक कर देगा तो फिर टारगेट 17,700। अगर मार्केट सपोज डेट कि मंडे को ओपन होते ही 17,800 के नीचे आ गया तो फिर वहां पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों, फिर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार हमें कल का ओपनिंग, यानी ओपनिंग आपको 830-840 के ऊपर होता है, तो एक बार 830 के ऊपर सस्टेन करेगा मार्केट में तो हो सकता है आपको 800 जो अभी 60 चल रहा है 920 उस तक जाए मार्केट। लाइव मार्केट में मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, लेकिन हमारे मंडे का ये टारगेट रहेगा। अगर आप वीकली पोजिशन में भी देखें तो वीकली में भी जो हमने एक लेवल जो 17,460-65 निकाला था वहीं से मार्केट बाउंस बैक किया और यहाँ पे 856 के पास एक बार जो देखिए यहाँ पर मार्केट जो डेली बेसिस पे गिर के आ रहा था ये अभी इसके लेवल पे के ऊपर आके रुक रहा है लगभग 17,856 के ऊपर। तो जब तक हमें मार्केट 900 के ऊपर नहीं निकलता है, 920 के ऊपर, तब तक हमारा ऊपर का लेवल नहीं होगा। 920 के ऊपर को निकलेगा तो टारगेट 18,080-85, 18,060 का हमें दिखाई देगा जो हमारा प्राइज एक्शन पर भी निकल के आ रहा है। तो स्लाइटली यहाँ पे जो है प्राइज एक्शन में भी जो है आप डेली बेसिस पे कहें तो एक अभी डोजी बना है, डोजी के ऊपर अगर क्लोजिंग 17,856 है, कल को ओपनिंग 856 के नीचे आता है तो फिर बेयरिश पैटर्न बन जाएगा। सेम अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं कि पूरे बैंक निफ्टी इसी लेवल के, इस रेंज के ऊपर जो है चल रहा है 441,600 के बीच, ये इसी के ऊपर है लेकिन अपर साइड में सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी, अपर साइड में। तो जब अगर अपर साइड को ब्रेक करता है, अगर 630 के ऊपर निकलता है और 630 के ऊपर कोई क्लोजिंग देता है तो टारगेट 41,820 का और फिर 42,100 का टारगेट, 42,000 का टारगेट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए 620 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए दोस्तों, शॉर्ट होना हमें 400 के नीचे, 41,400 के नीचे टारगेट हमारा 41,100 का और 41,400 की, क्योंकि ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है 41,400 का। तो एक बार 41,400 से 41,600 के बीच में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर इसके आप वीकली में भी देखें, सॉरी डेली बेसिस पे जो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो 41,600 अभी इसका क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर एक बार ये जो है नीचे आया फिर यहाँ पे आके इस लेवल को सस्टेन किया। देखिए अपर लेवल पर जब ये सस्टेन करेगा तो यहाँ पे ब्रेक हो रहा, फिर इसको क्या किया एक सपोर्ट मान के ऊपर गया और यहाँ पे फिर सपोर्ट दिया, फिर नीचे इसको जैसे पूरा अच्छे से ब्रेक किया तो आपको 0.61 जो गोल्डन रेशियो है इसके ऊपर से बाउंस बैक किया और अभी 0.78 के पास जो है वो ट्रेवल कर रहा है। तो एक बार इसके नीचे अगर आता है तो फिर नीचे आ जाएगा। इसके अगर क्लोजिंग देखें 41,500 के नीचे अगर हो जाएगा बैंक निफ्टी तो बेयरिश हो जाएगा, फिर टारगेट हमारा आपको 40,800 का दिखाई देगा बैंक निफ्टी। तो दोस्तों ये एनालिसिस रहा, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर करिए दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए। एक दोस्तों अपडेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, कि हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पे सारे कुछ लाइव में अपडेट दिया जाता है कि बड़े प्लेयर की एक्टिविटी क्या हुई, मार्केट रेंज बाउंड रहेगा कि मार्केट में बाउंस बैक आएगा, सब कुछ यहाँ पे आप जाके 3 महीने का बैक टेस्टिंग कर सकते हैं लाइव में। मैं बता रहा हूँ आपको लाइव में बताने के लिए दोस्तों स्टील का जिगरा चाहिए, और लाइव में बहुत ही कम अपडेट देते हैं लोग सॉरी दोस्तों, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब ये सब सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखाया फुल्ली ऑटोमेशन के साथ हमारा हर एक महीने बैच चलता है। अभी हमारा है आज से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आज इंट्रो पार्ट होगा, आप मुझे इमीडिएट मैसेज करके इसमें 20% अगर डिस्काउंट पे क्या कर सकते हैं आज से कल तक, अभी चल रहा है, नहीं तो हमारा नेक्स्ट बैच जो है 6 मार्च से 06 मार्च से स्टार्ट होगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ये फी अभी इंक्रीज हो जाएगा, इसमें 30% जो है अब 21 से 30,000 की हाई हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम फी में हम सारे आपका सिस्टम को ऑटोमेशन करके देते हैं, सब कुछ वहाँ पे बड़े प्लेयर की एक्टिविटी क्या हो रही है, लाइव मार्केट में कैसे पता कर सकते हैं कि कॉल राइटिंग जो है बड़े प्लेयर द्वारा किया जा रहा है, पुट राइटिंग बड़े प्लेयर द्वारा किया जा रहा है,
स्टॉक सिलेक्शन आपको बड़े प्लेयर के द्वारा, FII कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें। और आप अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों मात्र 50 रुपीज़ पर डे, यानी आपको 1500 रुपये पर मंथ के चार्ज पे सब कुछ। एक हम प्रॉपर स्टॉप लॉस एंट्री और एग्जिट जो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है, सब कुछ देख सकते हैं। हमारा प्रीमियम ग्रुप का है ये, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे कि हमने क्या क्या कॉल दिया, तो ये आप जाके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए। दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के आधार बनाया गया, इसके आधार पर बाय सेल या होल्ड का ऑप्शन क्रिएट ना कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए।